हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास सीरीज और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट को देखेंगे बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे ठीक so, uh, है तो लेट्स मॉन्ट टू डिफरेंसेस पार्ट चलो अपन देखते फर्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए फर्स्ट डिफर फर्स्ट डिफरेंस बोलिए इंटरनेट इज़ ए पब्लिक नेटवर्क तो जो इंटरनेट होता है ना वो एक पब्लिक नेटवर्क होता है लेकिन जो इंटरनेट होता है इंटरनेट इज़ ए प्राइवेट नेटवर्क जो इंटरनेट होता है वह पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है वह बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क होता है फॉर एग्जाम्पल एक, एक, एक कंपनी ने खुद का नेटवर्क बनाया ठीक है तो वो सिर्फ कंपनी मेंबर्स यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे इससे बोला इंटरनेट ठीक है द नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए हियर एनी वन कैन एक्सेस द इंटरनेट जो कि पब्लिकली अवेलेबल है कोई भी आ, कोई भी एक्सेस कर सकता है वो नेटवर्क हो जाए फॉर एग्जाम्पल गूगल या फिर कोई भी इंटरनेट साइट ओके कोई भी इंटरनेट साइट देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए इंटरनेट तो इंटरनेट के अंदर क्या बोला हियर ओनली मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी और ए कंपनी कैन एक्सेस इंटरनेट जो कि मैंने बोला था एक प्राइवेट कंपनी होगी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होगी सिर्फ वो जो नेटवर्क कनेक्शन होगा सिर्फ वो वो उसकी जो उसकी बाउंड्रीज है कंपनी की जो उसका ब्रांच की बाउंड्री है तो वहाँ तक ही रहेगा ठीक है जो मेंबर्स से कंपनी के उनके अलावा कोई भी दूसरा यूज़ नहीं कर पाएगा ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए इंटरनेट हैज़ अनलिमिटेड यूज़र्स जो कि पब्लिक है तो पब्लिक में अनलिमिटेड यूजर्स रहते हैं ठीक है लेकिन यही चीज़ इंटरनेट के अंदर क्या बोलिए इंटरनेट हैज़ लिमिटेड यूजर्स जो कि लिमिटेड यूजर्स रहेंगे कुछ अराउंड फिफ्टी सिक्सटी एग्जाम्पल ठीक है देन देन नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है इंटरनेट इज़ लेस सिक्योर जो इंटरनेट होता है वे, वे ज़्यादा उसकी प्राइवेसी नहीं रहती वे लेस सिक्योर रहता है लेकिन यही चीज़ इंटरनेट के अंदर क्या बोला है इंटरनेट इज़ कम्प्लीटली मोर सिक्योर जो इंटरनेट होता है वह कम्प्लीटली वो आई I मीन mean, वो ज़्यादा सिक्योर होता है जो कि वो प्राइवेट प्राइवेट बेसिकली एक प, आ, एक प्राइवेट की प्रॉपर्टी रहती है आई तो, मीन I mean, दूसरे लोग दूसरे लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते है ना जो पब्लिक है वे, वे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती जो मेंबर्स है सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है किसको इंटरनेट को इंट्रानेट को ओके द नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है इंटरनेट इज़ ह्यूज नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ एल ए एन एम ए एन डब्ल्यू एन लोकल एरिया नेटवर्क एक्सेट्रा ठीक है तो ये बेसिकली ये जो दे देखे लैन मैन एंड वैन ये सारे नेटवर्क आते हैं इंटरनेट के अंदर लेकिन इंटरनेट के अंदर क्या बोला इंटरनेट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन लैन लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है जो कि वायरलेस नहीं होता है द नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए इंटरनेट देर इज़ नो ओनर ऑफ इंटरनेट इंटरनेट का कोई भी ओनर नहीं है लेकिन यहाँ पे तो ओनर रहेगा ना एक कंपनी हो सकती है एक यूनिवर्सिटी हो सकती है कोई भी हो सकती जिसका है जिसका प्राइवेट नेटवर्क है देर इज़ सम ओनर ऑफ द इंटरनेट विच मे बी अ पर्सन और ए कंपनी कोई भी हो सकता है ठीक है जो कि उसका प्राइवेट नेटवर्क है द नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है इंटरनेट इज़ अ वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन अराउंड दी वर्ल्ड जो इंटरनेट है वह एक वे है ताकि जो भी इंफॉमेशन है वह पूरी दुनिया के साथ सेव कर सके आई मीन शेयर कर सके सॉरी ठीक है देन यहाँ पे इंटरनेट के अंदर इंटरनेट के अंदर क्या बोला है इंटरनेट इज़ अ वे टू शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉमेशन विथ इन एन ऑर्गनाइजेशन एक ऑर्गनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज के अंदर जो कॉन्फिडेंशल इंफॉर्मेशन होती है जो वो सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन तक ही रहे इफॉर्मेशन सिर्फ वो वो जो इंफॉमेशन है ना वह सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन मेबर्स के साथ शेयर करी जाती है तो इसलिए यहाँ पे लिखा इंटरानेट इज़ ए वे टू शेयर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉमेशन विथ इन एन ऑर्गनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता द नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है इट हैज़ वाइड एरिया कवरेज जो जो इंटरनेट है जो कि अपन ने देखा वह वह उसके अनलिमिटेड यूजर्स है और वह पब्लिकली मेड अवेलेबल है तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा है इट हैज़ वाइड एरिया कवरेज उसका बहुत ही बड़ा कवरेज है बहुत ही लंबा कवरेज है लेकिन यहाँ पे इंटरनेट के अंदर क्या बोला इट इज़ इट इज़ कवर्ड विद इन ए ऑर्गनाइजेशन जो कि मैंने बताया एक बाउंड्रीज तक लिमिट रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन के उस बाहर नहीं जाता है कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता यहां पे लिखा है नेक्स्ट डिफरेंस में दिस सिस्टम फेलियर इज अनप्रीडिक्टेबल इंटरनेट का सिस्टम कब फेल हो जाए वह प्रडिकटेबल नहीं है बेसिकली लेकिन यही चीज़ इंटरनेट के अंदर इंटरनेट के अंदर क्या बोला है दिस सिस्टम फेलियर इज़ प्रिडिक्टेबल सिंस सिस्टम इज़ मॉनिटर्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी जो भी एक प्राइवेट से प्राइवेट नेटवर्क होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको भी कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा होगा है ना अगर कोई फ्लक्चुएस फ्लक्चुएशन आने वाली है या फिर कोई भी सर्कमस्टांसिस होने वाले हैं तो पहले ही पता चल जाता है कि मतलब नेटवर्क बंद होने वाला है ठीक है तो बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट